जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आप सबों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सभी हमेशा ऐसे ही आपके जीवन में रंग भर कर आए और ज़िंदगी में आपके हमेशा सुख शांति, घर परिवार सुख शांति से रहे। यह जो आज वनस्पति आप देख रहे हैं, यह अलग अलग वनस्पतियों के योग से बनाए जाने वाली वनस्पति, जिसे चितबदला का या मनोहरी बूटी के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना जाता है, यह एक लुप्त होती जा रही वनस्पति और इसको जो प्रयोग होता है, इसकी विद्या, यह किस लिए और इसका उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, यह विशेषकर जिनका परिवार या जिनके वैवाहिक जीवन में होने के बाद भी किसी गलत संगत में कोई पुरुष या स्त्री साथ गलत रिश्ते हो जाएं, तो उन लोगों को अपनी ओर खींचने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि जन कल्याण की भावना से। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो कि आपकी बातें ना मानता हो और गलत संगतों में बिगड़ गया हो, उनके ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी घर में लड़ाई झगड़े होते हों, शांति ना रहती हो, तो इसे खिलाए पिलाए के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और यंत्र के रूप में धारण भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसी का टूटता घर बिखरने से बच जाता है। आज जैसे ये सब तो आम बातें हो चुकी है, पर बहुत से लोग अलग अलग उपाय करते हैं पर सफल नहीं होते, क्योंकि जिनको भी इनका प्रयोग करना होता है, सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर जो भी आकर्षण किया गया है या आकर्षण उसके मन में ऐसा हो गया है, तो उसका काट करके तब इसे दिया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से उसके मन दिमाग से उस गलत संगत का असर खत्म हो और फिर इस वनस्पति को दिया जाता है, तो वो पूर्ण रूप से काम करता है। यह वनस्पति बिना मंत्रों के सिद्ध किए बिना कार्य नहीं करता, या तो किसी पंडित से या किसी साधक से इसे सिद्ध करवा के इसका उपयोग किया जाता है। आज बोलने की बात नहीं, आज हर घर की प्रॉब्लम है, जो कि लोग कई कई उपाय करने के बाद भी सही नहीं होते, तो मंत्र विफल भी हो जाएंगे पर ये वनस्पति सिद्ध है। ये दोनों एक दूसरे के शरीर या अंग कहा जाए, मंत्र और तंत्र यानी मंत्रों के साथ क्रिया सामग्री, अगर इस तरह उपयोग करते हैं तो इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाता। इसका दूसरा प्रयोग यंत्र के रूप में किया जाता है। जो लोग कारोबार या बिजनेस में या टीचर हो, चाहे लोग जो इंटरव्यू देने जाते हो, तो इसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो ये प्रमाणित वनस्पति योग जिसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया हूँ, कई वेद ग्रंथों में भी कई ऐसी वनस्पतियों का योग है, पर लोगों को पहचान नहीं हो पाने के कारण ज्ञान से वंचित है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ छोटा सा हमारा यह प्रयास है आप तक पहुँचाने का, जो कि आप लोग यह वनस्पति देख रहे हैं और इसको सही पहचान करके और सही उपयोग में इसे लाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी का घर टूटने से बचे। ये जो वनस्पति है, इसमें काले रंग की जो दिख रही है बीच में, ये वनस्पति, फिर ये सारी वनस्पतियों को बिना अभिमंत्रित किए मंत्रों के, सबका मिश्रण हो के इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको जंत्र नुमा या तो खिलाए पिलाए के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो शेयर सब्सक्राइब करें। और अगला और भी वीडियो है जो कि बहुत से वनस्पति तंत्र का, और 3-4 वीडियो बाद फिर से कुछ मंत्रों का, जो कि आप लोगों का बहुत तहे दिल से इंतज़ार है कि पूछा देने का कोई मंत्र दीजिए, तो कुछ पूछा देने का भी मंत्र दूंगा और कुछ ऐसे मंत्र दूंगा। बहुत से मित्र बोल किए थे कि चौकी बैठाने का, जो कि चौकी दूसरे की चौकी को उठा करके अपनी चौकी बैठाने का, तो वो भी आप सबों के बीच प्रस्तुत करूँगा। और एक ऐसा मंत्र दूंगा, बहुत से लोग जैसे कि
दूर दूर के बहुत सारे लोग भानामती का प्रयोग करते हैं, तो उसका असली प्रयोग किस लिए करते हैं, ये बहुत ही ख़राब विद्या होती है। तो इस सभी विषयों में उस वीडियो में चर्चा होगी। ठीक है, तो आप सबों को धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माता रानी।